खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और ख़ूबसूरत नाम में होशाना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को आपका खादिम, आपका मेज़बान पादरी आमिर इकबाल प्रोग्राम आफ्ताबे सदाकत में खुशामदीद कहता है। अज़ीज़ नाज़रीन, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज की सुबह हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके पाक कलाम की बरकतों को अपने लिए हासिल कर सकें, और ये हमारे लिए नहायत ही अजीम बात है। बतौर मसीही हमारा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है जब हम खुदावंद के पाक कलाम को अपने कानों से सुनते हैं और अपने दिल में उतरने की जगह देते हैं, और वो कलाम हमें बाबरकत बनाता है, हमें हमारे लिए बाबरकत बनाता है, हमें दूसरों के लिए बाबरकत बनाता है। और सबसे बढ़कर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके खादिमों के लिए जो उसका कलाम जो है वो हम तक लेकर आते हैं और हम उसके कलाम से बरकतें हासिल करते हैं। ये हमारे लिए नहायत ही अजीम बात है। अजीज नाजरीन, आज जो खुदावंद के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम पादरी हुनूक इरशाद है। ये गुलजार कलोनी गुजरमाला के रहायशी हैं, और गुलजार कलोनी में ना सिर्फ खुदावंद की खिदमत करते हैं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में जहां पर खुदावंद इनको अपनी खिदमत के लिए बुलाता है ये जाते हैं। पादरी हुनूक इरशाद एलपी सोसाइटी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये प्रेसबिटेरियन चर्च और गोंदला वाला प्रेसबिटेरी में पासबानी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते हैं। पादरी साहब, हम आपको प्रोग्राम आफ्ताबे सदाकत में खुश आमदीद कहते हैं। पादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे फिलिपियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब और पहली 7 आयात। फिर समात फरमाइए, फिलिपियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका तीसरा बाब और पहली 7 आयात। पाक कलाम में लिखा है, गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मख्तूम तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और बस यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भरोसा भी कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है। पाक कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे, और मेरी दरख्वास्त है पादरी हुनूक साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ मांगें। कादर मतलब जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम नहायत शुक्रगुजारी के साथ आपके हुजूर आते हैं। हम आपके पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, और ऐ खुदावंद हमें यह फजल बख्शा कि तेरे हुजूर आए, तुझे सजदा करें, तेरे नाम को ऐ खुदावंद इज्जत जलाल दें। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए, ऐ खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदावंद अब इस कलाम की खुदावंद तफसीर और तशरीह करने जा रहे हैं। खुदावंद तू अपने पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में खुदावंद हमें रखना है। खुदावंद मैं अपने रूह बदन जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद तेरा पाक रूह जो कामिल उस्ताद है वो मेरी रहनुमाई करे, मुझे खुदावंद लफ्ज़ों की तरतीब अता करना, दुरुस्त जुमलाबंदी अता करना। ऐ खुदावंद जितने लोग हैं खुदावंद ये कलाम सुने वो बरकत पाए। खुदा मैं तेरा मुंह बनने जा रहा हूँ, खुदा भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर। ये दुआ तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज नाजरीन, हम पादरी हुनूक साहब का एक मरतबा फिर से प्रोग्राम आफ्ताबे सदाकत में वेलकम करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं पादरी साहब कि जो कुछ खुदावंद ने आपको मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए दिया है वो हमारे साथ जरूर बांटे। बहुत शुक्रिया पादरी आमिर इकबाल साहब, मैं खुदावंद खुदा के बाद आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम आफ्ताबे सदाकत में मदु किया और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की मुनादी के लिए दावत दी। हम अपने कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे
फिलिपियों का नाम लिखा गया खत उसका तीसरा बाब आपने तलावत किया है और जो हमारा आज का टेक्स्ट है वो पहली 7 आयात है जी। और मेरा जो आज का उन्वान है वो ये है कि आसमानी लोगों का ज़मीनी चाल चलन। वाह ज़बरदस्त, यानी आसमान के ये जो टाइटल है अजीज़ नाज़रीन बहुत खूबसूरती से चुना गया है कि आसमानी लोगों का ज़मीनी चाल चलन। आज की सुबह जब आप खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन रहे हैं तो यकीनन हम आसमानी हैं, हमारा दावा है कि हम आसमानी हैं और ये हमारे लिए नहायत ही ईमान अफरोज़ बात है कि आसमानी होते हुए हम ज़मीन पर रहते हैं और इस ज़मीन पर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। पादी साहब हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं सुनवान के लिए। जी बहुत शुक्रिया पादी साहब, मैं ये ईमान रखता हूँ यकीन रखता हूँ कि जो एक हकीकी मसीही है वो आसमानी है। वाह ज़बरदस्त, फिलिपियों का नाम जो खत लिखा गया है वो मुकद्दस पौलुस रसूल जिस कंडीशंस में लिखता है जी। उस कंडीशन में बार बार उसका खुश रहने का कहना एक अजीब सी बात है, क्योंकि जब वो ये खत तहरीर कर रहा है वो रोम में अपने ही घर में नज़रबंद है जी, वो कैद में है और वहाँ पर वो किस बात से खुश है और अपने यूरोप की पहली कलीसिया फिलिपी की कलीसिया को बार बार खुश रहने के लिए इसलिए वो कहता है कि मैं कैद में होकर भी खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ, मेरी कैद में होने के सबब से भी खुदा के नाम को इज्जत व जलाल मिल रहा है, मैं इस बात से खुश हूँ। मैंने बेशुमार मरतबा पुलपिट से इस बात को प्रीच किया है कि जो मसीही लोग हैं वो हर हालात में खुश रहने के वाले लोग हैं जी, वो मुफलसी में गरीबी में गुर्बत में परेशानी में भी वो खुदावंद में खुश रह सकते हैं जी। और मैंने ऐसे बहुत से मसीहियों को ऐसा करते हुए देखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल भी इसी चीज़ की अकासी करते हैं। और जो मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत हैं वो उसके रिटन जो लिखे हुए वाज है जी, और ये वाज उसने क्यों लिखे हैं क्योंकि उसे जब कलीसिया की जो हालत किसी खत के थ्रू पता चली या किसी शख्स ने उसे आके बयां की, उसने अपनी कलीसिया के लोगों को वो खत लिखकर उनकी तरबियत की कोशिश इस्लाह की उनकी तरबियत की। यहाँ पर जो शख्स है इफ्रदीतस वो उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आता है कलीसिया की फिलिपी की कलीसिया का। अब मैं थोड़ा सा फिलिपी का पेश करता चलूँ बैकग्राउंड। फिलिपी का जो चर्च है वो रोम की एक कॉलोनी है जी, और वो रोम की कॉलोनी में जो फिलिपी शहर है जी उसकी एक छोटा सा उसका एक चर्च है फिलिपी की कलीसिया। रोम फिलिपी की जो शहर के लोग हैं वो अमीर लोग हैं जी, वो रोम के लोगों से इन्फ्लुएंस हैं काफ़ी ज़्यादा, वो उनसे मुतासिर हैं और वो उनसे बेहद उनकी तरह बनना चाहते हैं, मुतासिर हैं कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तहजीब को उनके कल्चर को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्होंने उन जैसा लिबास पहनना शुरू किया है, वो ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलिपी का जो चर्च है वो इससे अपोजिट है जी, वो अमीर शहर में एक गरीब चर्च है, लेकिन इस गरीब चर्च की खूबसूरती यह यही है कि ये गरीब चर्च वो वाहिद चर्च है जो मुकद्दस पौलुस रसूल की माली तौर पर मदद भी करता है। मदद करता भाई, ये तो मसीह खुदावंद की वही बात हो गई कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। यस, और दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले बात आपसे की है कि वो मसीही लोग जो हर हाल में खुश रह सकते हैं, तो ये फिलिपी का चर्च इस बात की अकासी करता है कि गुर्बत में परेशानी में मुसीबत में आप मसीह खुदावंत के साथ आपकी वाबस्तगी है, मसीह खुदावंत के साथ आप चल रहे हैं तो आप उन हालात में भी खुश रह सकते हैं। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल बार बार यहाँ पर खुश रहने को कहता है फिलिपी के कलीसिया को, यानी कि आसमानी लोगों के जमीनी चाल चलन की पहली खूबी ये है कि वो हर हालत में खुश रहेंगे, वो मुफलसी में तंगी में कैद में किसी भी हालत में वो हर हालत में मसीह के साथ खुश, मसीह के साथ
خوش رہیں گے. اس کے بعد جو دوسری بات ہے ہماری آج سیکھنے والی وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر دوسری آیت میں کہتا ہے کچھ ایک کریکٹرز کا ذکر کرتا ہے. جی پہلا وہ کریکٹر جس کریکٹر کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کتوں سے خبردار رہو. ایسے کریکٹرز ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے چرچز میں ہمارے کلیسیا میں پائے جاتے ہیں. کتے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, کتے کا رویہ کیا ہوتا ہے, کتا اس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ آپ سے بڑی محبت, آپ سے بڑی خوش, آپ کی بڑی خوش آمد کرتا ہے, آپ کے سامنے دم ہلاتا ہے, کان نیچے رکھتا ہے اور یہی ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہوں. لیکن جب اس کے ساتھ اور کتے مل جاتے ہیں اور کتے اس کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, آپ کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ ان پر یہ بات ظاہر کر دیتے ہیں کہ میں ڈر گیا ہوں, میں نیچے بیٹھ گیا ہوں, تو وہ آپ پر دھابا بول دیتا ہے. اسی طرح کے لوگ آپ کے چرچز میں بھی موجود ہیں, آپ کے معاشرے میں بھی موجود ہیں, جو بظاہر آپ کے سامنے تو آتے ہیں, آپ کی بڑی خوش آمد کرتے ہیں, جی پادری صاحب میں تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, میں فلاں شخص کو کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ اپنے مینیجر کو اپنے دوستوں کو بڑا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے وہ انہیں بیک بائٹنگ کرتے ہیں, ان کے لیے برے الفاظ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, گراؤنڈنگ کرتے ہیں انہیں نیچے گرانے کے لیے, گروپنگ کرتے ہیں اور پھر موقع دیکھتے ہی ان پر دھابا بولنے کی جھپٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو بائبل مقدس میں مقدس پالوس رسول کتوں سے تشبیہ دیتا ہے, یعنی کہ آسمانی لوگوں کے زمینی چال چلن میں خبرداری کا جو عنصر ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے ایسے افراد سے جن کو کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور جن میں ان جیسی صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کے دوست لگتے ہیں لیکن جب ہی کسی جھنڈ میں آتے ہیں تو آپ کو پھاڑ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. عزیز ناظرین, آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے بڑی خوبصورت باتیں سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک دو باتیں سیکھی ہیں کہ آسمانی لوگوں کے زمینی چال چلن میں سب سے پہلی بات خوشی ہے کہ ہمیں ہر حالت میں خوش رہنا ہے, دوسری بات مسیحی زندگی میں آسمانی لوگوں کے زمینی چال چلن میں خبرداری کا عنصر جو ہے وہ ہر ایک مسیحی کے اندر ہونا چاہیے, اسے اپنی زندگی سے اپنے دوستوں سے جن سے وہ ملتا ہے ان کے بارے میں اسے خبردار رہنا چاہیے, اپنی تعلیم کے بارے میں اسے خبردار رہنا چاہیے. عزیز ناظرین, سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہاں پر ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, اس وقت تک ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن.